कलर कितने प्रकार के होते हैं? तीन नहीं, वाटर कलर, पोस्टर कलर, मतलब कलर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका वाटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रेलिक भी कलर जो होता है वो हमारा वाटर कलर तक ही यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो वाटर कलर जो है, जैसे ये आपका है स्टूडेंट कलर, तो अभी आप क्या हैं? स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट कलर, तो ये स्टूडेंट कलर आप यूज करते हैं। और जैसे हम लोग अब थोड़ा बड़े हो गए हैं तो हम लोग वाटर कलर ये भी है, लेकिन ये आर्टिस्ट कलर है। क्लियर? ठीक है, तो अभी हम आपको आर्टिस्ट कलर से बताते हैं। और आप जब भी बनाएंगे किससे बनाएंगे? स्टूडेंट कलर से। स्टूडेंट कलर से बनाएंगे। क्लियर? यस मैम। आपको अभी हम आर्टिस्ट कलर से ही बताते हैं और उसको बनाइएगा। आपको एक छोटा सा हम वाटर कलर का नीचे, वाटर कलर क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट होता है, आर पर उसमें दिखता है, देखा जा सकता है। जब भी हम पीले पे अगर लाल यूज करेंगे तो उसमें ऑरेंज का रिफ्लेक्शन करेगा। और भी पोस्टर कलर पे हम अगर लाल पे पीला लगाएंगे तो पीछे का जो कलर होगा वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा और उसका पीला जो है अस्तित्व में आ जाएगा। क्लियर? तो वाटर कलर और पोस्टर कलर में यही अंतर होता है। तो ये ओपेक और ट्रांसपेरेंट होता है, ये आपका साइंस में पढ़ाया जाता होगा। क्लियर है ना? लेकिन थोड़ा आर्ट में भी कलर के बारे में है तो आपको हम थोड़ा सा बता रहे जितना मुझे नॉलेज है। ठीक है, तो अभी आपको बताते हैं इसके बारे में। देखिए ये आपका कार्टेज पेपर है। क्लियर? कार्टेज पेपर है। कार्टेज पेपर में हम किससे बनाएंगे? आर्टिस्ट कलर से आपको बताते हैं। ये देखिए इसमें सारे कलर पड़े हुए हैं, और भी कलर की आवश्यकता होगी तो हम लेंगे। देखिए ये देखिए, ठीक है, कोई भी वाटर कलर से, तो पहले हम उसको क्या करते हैं? पेपर को थोड़ा भिगाते हैं। भिगाने से क्या होता है, जब कलर जब हम करते हैं तो उसमें जो भी कलर लगाएंगे वो नीचे की तरफ बहेगा, फ्लो करेगा, जिसमें जिससे ट्रांसपेरेंसी आती है। क्लियर? वाटर कलर में जब भी कोई कलर मिलाएंगे अगला कलर हमको उसमें दिखेगा कि कौन सा कलर में कौन सा कलर मिल रहा है, तो कौन सा कलर तैयार हो रहा है। देखिए खुद ही आपको लग रहा होगा कि जो भी कलर हम बना रहे हैं उसमें कलर दिखता है।
से करोगे। देख रहे हो बच्चों? देखो ये पेड़ का रूप लेगा और सूर्य की पत्तियां भी कुछ बनाएंगे हम, ये डाली बन जाए। दिख रहा बेटा? यस मैम। सूखने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी दिन बाहर ले चलेंगे आप लोग को काम करवाएंगे। आप ये जो दूर का जब भी हम कलर लगाते हैं तो उसमें ब्लू कलर डालते हैं जिससे कि हमको दूरी नजर आए। जैसे कोई भी दूर का सीन सीनरी होती है पेड़ पौधा, तो हमें लगता है ना कि बहुत दूर है तो दूर कैसे दिखेगा, जब हम उसके उसमें ब्लू कलर का इफेक्ट डालते हैं तो वो आपका दिखता है।
इसमें पूरा दिखाना यहाँ पर। ठीक है बेटा, ठीक लग रहा है ना तुम लोगों को? ठीक है, ओके।